हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारी आज की रेसिपी है गाजर की हलवा, और इस हलवे को हम आज एकदम चुटकियों में बनाएंगे। मतलब ना तो हम हलवे के लिए आज गाजर को घिसेंगे और ना ही घी में भूनेंगे और ना ही प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। और तो और ये हलवे को आज हम बिना मावा डाले बस 2 चम्मच घी से बनाएंगे। तो अगर आप ये वाली वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो गाजर का हलवा बनाना आपके लिए बस चुटकियों का काम बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू कर बनाना। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो गाजर को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट ली है। गाजर को मैंने सामने और पीछे से पहले काट के फिर छील के अच्छे से धो ली है। फिर इस गाजर को पहले 2 हिस्सों में काटा है और फिर ऐसे बीच में से काट के ये जो पीली वाली पार्ट है इसे ऐसे काट के निकाल दी है, और इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ली है। ये देखिए ऐसे। अब इन सारे गाजर के पीसेस को हम पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे और ढक्कन को बंद करके इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, यह मैंने गाजर का एकदम से पेस्ट नहीं बनाई है, सिर्फ 1 से 2 बार चला के इसे दरदरा सा पीस ली है। तो अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन को चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी और घी को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी। अब इस घी में इन दोनों को 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाए। अब फ्लेम को लो करेंगे और ये सारे गाजर को पैन में डाल देंगे और इस घी में अच्छे से गाजर को एक बार चला लेंगे, लेकिन इसे भूनेंगे नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि घी और गाजर आपस में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे, और लो फ्लेम पर ही हम इस दूध के साथ गाजर को पकाएंगे। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध ली है, इससे हलवा का टेस्ट बहुत अच्छी आएगी, लेकिन आप नॉर्मल टोन मिल्क भी ले सकते हैं। और इसे बिल्कुल भी ढक के नहीं पकाना है और ना ही एकदम से छोड़ देना है। आप इसके बीच दूसरे कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से बीच बीच में इसे ऐसे चलाते रहना ताकि गाजर पैन के नीचे से न लग जाए। और ऐसे ही लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इस दूध को पूरा सुखाना है। और इस गाजर को अब जब मिक्सी में पीसोगे तब बिल्कुल भी इसका पेस्ट मत बनाना। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, इसको हमें बस दरदरा सा ही पीसना है ताकि खाते वक्त गाजर का थोड़ा बहुत चंक्स मुंह में आए, तभी गाजर का जो हलवा है उसका टेस्ट निखार के आएगा। और यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर भी नहीं डालूंगी, इसीलिए मैंने घी में ही 2 इलायची को तोड़ के हल्का सा कूट के डाली है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करना, इसे आपको अलग से इलायची पाउडर डालने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, दूध यहाँ पे ऑलमोस्ट सूख चुका है, लेकिन हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे और दूध को पूरा सुखाएंगे, क्योंकि अगर दूध रहते ही हम इसमें चीनी डाल देंगे तो दूध फट सकता है और हलवा का टेस्ट भी बिगड़ सकता है। तो ऐसे ही थोड़े देर और चला लेंगे जब तक दूध पूरा सूख ना जाए। ये देखिए, करीबन 1/2 घंटे लो फ्लेम पर चलाने के बाद दूध पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब डालेंगे 1/2 कप चीनी, और चीनी के साथ भी हम इसे पकाएंगे, क्योंकि चीनी मेल्ट होते ही पानी छोड़ने लगेगा और हमें उस पानी को भी पूरी तरीके से सुखाना है। अभी आपको इसका कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीनी पकने लगेगा आप देखना हलवा का कलर भी डार्क होने लगेगा। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, इससे हलवा का मीठापन बैलेंस होता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट कैसे हलवा बनाते हैं वो दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास समय है और आप गाजर को ग्रेट करके हलवा बना रहे हो तो पहले गाजर को आप घी के साथ अच्छे से भूने, उसके बाद दूध डाल के उसे अच्छे से उबाल के सॉफ्ट करें और उसके बाद ही चीनी डालें, लेकिन वो बहुत ही लेंदी वाला प्रोसेस है और घी भी उसमें बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए अगर आप ये वाली प्रोसेस में हलवा बनाते हैं तो ये बहुत ही कम घी में भी बनेगा और आपका टाइम भी बहुत ही कम लगेगा और टेस्ट भी इसका एकदम लाजवाब
ही होगा। खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये गाजर को आपने बिना ग्रेट किए बिना घी में भुने बनाई है। ये देखिए करीबन 10 से 12 मिनट में ही चीनी का भी पानी पूरा सूख चुका है और हलवा का कलर भी काफी डार्क हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच कटी हुई बादाम और काजू और 1 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर और अच्छे से इसे मिला देंगे। ये मिल्क पाउडर हम 1-1 चम्मच करके करीबन 4 से 5 बार डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इससे हलवा में जो छोटे छोटे ग्रैनुल्स बनेगा वो हलवा का टेस्ट दुगना कर देगा। तो मावा के बिना भी आप मिल्क पाउडर डाल के हलवा को सेम टेस्ट का बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मीठा कम खाते हो और मावा के बिना ऐसे मिल्क पाउडर से हलवा बना रहे हो तो आप चीनी 1/2 कप ना लेके 1-2 चम्मच कम लेना, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है और मिल्क पाउडर ऐसे 1-1 चम्मच करके ही डालना और मिलाते जाना, एक साथ पूरे मत डाल देना। इससे उसका ग्रैनुल्स नहीं बनेगा, बड़े बड़े चंक्स बन जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन चुका है। अब लास्ट में इसमें जस्ट फ्लेवर के लिए 1 बड़ी चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और हलवे को पैन से निकाल लेंगे। और आप चाहे तो ऊपर से थोड़ी सी और ड्राई फ्रूट्स डाल के इनसे गार्निश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे ऐसे ही सारे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।